Garuda Express, an international courier service. So sir, तुम्हारी सुनो कुछ एक हफ्ते की वजह से रिलीज होने के लिए दो हफ्ते या एक हफ्ते में जान निकल जाएगी. So कितने कितना कुछ nervousness अंदर आ रहा है, कितना कितना expectations आप रख रहे हैं? मुझे लगा था मैं बहुत नर्वस होऊंगा, लेकिन मुझे बड़ा भरोसा है कड़ी मेहनत पे जो सुरेश त्रिवेणी डायरेक्टर की है और पागलपन पे जो विद्या बालन का है. मुझे इन दोनों पे बहुत भरोसा है और जो टीम है धारा साहू सर, सौरभ गोस्वामी, अतुल कसबेकर जो प्रोड्यूसर हैं सारे, वो टी सीरीज, वो लोग इतना विश्वास है उनको उस फिल्म पे और जिस तरीके से फिल्म अभी तक शेप अप की है, जो जिस तरीके से लोगों ने ट्रेलर गानों को इतना सराहा है, 3 गाने आ चुके हैं लगभग, सब लोग डांस कर रहे हैं उस गानों पे. तो अब बहुत होपफुल हूँ और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है एंड आप लोगों को भी बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी. बहुत मैं खुद भी ढूंढता रहता हूँ अच्छी फिल्में. सो दिस इज़ वन ऑफ देम. सो हाउ डज इट फील टू बी पार्ट ऑफ तुम्हारी सिनेमा? आई फील एब्सोल्युटली फॉर्चुनेट, वेरी 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 लकी, बिकॉज बहुत रेयर होता है कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिलती है जिसको आप कहो कि अरे आई कैन गिव माई राइट आर्म टू दिस फिल्म एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट काइंड ऑफ, मतलब एक स्क्रिप्ट है तुम्हारी सुलू. और जिस तरीके के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ही बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से फिल्म बनी. इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ, ऋषिकेश मुखर्जी वाली फिल्म है, जो आपको फील ट्रेलर में, गानों में, सब में दिखाया है. इट विल ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस. तो बहुत प्यारा, बहुत प्यारी फिल्म है. आना है तो एंजॉय इट. सो ट्रेलर तो सुपर हिट हो चुका है एंड इवन आपका गाना सुन, बताइए मैं डांस करता पाया जा रहा हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लाइक मिलियंस क्रॉस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लाइक आपका हाफ ऑफ द बैटल तो आप जीत चुके हैं. ऐसा है क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्या होता ना कि अभी तक हम लोग गाने सुनते थे और मुझे अच्छे गाने लगते थे, बट अभी आज ही की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ कार ड्राइव कर रहा था और अचानक बंजा गाना आया एंड पता नहीं आपको बहुत अच्छा लगता ना, अरे ये तो मैं हूँ इसमें, इट्स माय सॉन्ग एंड वी ऑल स्टार्टेड डांसिंग. कार आई वाज सो सो हैप्पी विद दिस एंड जितने लोग मुझे डांस, मेरा डांस कर करके मुझे वीडियोस भेज रहे हैं, मुझे टैग कर रहे हैं, मैं इतना खुश हो जाता हूँ देख के. इतना अच्छा हम्बल और अच्छा फील होता है कि यू नो आई डिड समथिंग विच एवरीवन लाइक्ड, इट्स नॉट, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और गाना बहुत हिट हो चुका है, ट्रेलर बहुत हिट हो चुका है. सो मतलब आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर. प्रमोशन ऑफ कोर्स होता है डिफिकल्ट बिकॉज उसमें आपको बहुत सारे, मतलब लगातार सवालों में जवाब देने होते हैं, लगातार आपको अपनी फिल्म को प्रमोट करना होता है. बट ये एक फिल्म है तुम्हारी सुलू, आप यकीन मानिए मुझे इतना मज़ा आ रहा है इसके बारे में बात करके. मैं और बिल्कुल मैं इसमें अब पूरी ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ इस फिल्म के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि प्लीज़ ये फिल्म थिएटर में जाके देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मैंने फिल्म देखी है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस. सो आप कहें तो मैं 1-2 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ इस फिल्म के बारे में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. नहीं मतलब हम लोग काम बहुत सीरियसली कर रहे थे, बहुत बहुत सीरियसली काम कर रहे थे, बट नेहा और विद्या, ये हम गुंडे हैं दोनों, गुंडी दोनों हैं, दोनों बहुत तेज हैं और विद्या में तो मस्ती है, मतलब जैसी स्लो है वैसी विद्या है बिल्कुल. तो वो तो मतलब मैं तो काफ़ी ऐसा रहता है, एक बार ऐसी विद्या ने मुझसे बोला था कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि प्रोड्यूसर आए हुए हैं आज, हम दोनों लड़ लेते हैं, मैंने कहा मतलब लड़ाई करते हैं और सीरियसली लड़ाई करते हैं और देखते हैं लोग क्या करते हैं. और तब हमारा कुछ जो 4th-5th दिन था शूट का, मैंने कहा ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं. और वो सच में फाइट करने लगी विद्या, मैं इस थिएटर वाले का क्या कितनी रिहर्सल कराएगा या मुझे नहीं करनी रिहर्सल. मैं थोड़ी देर तक ऐसा करता अच्छा हाँ ये गलत है,
मैंने मुझसे नहीं होगी लड़ाई, मेरे से नहीं बनेगा लड़ते, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकता आपसे तुम। मैं फिर सब हंस दिए, बट प्रोड्यूसर थोड़ी देर के लिए डर गए थे। तो ऐसे ऐसे तो प्रैंक करती रहती हैं पूरे सेट पे। बट द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज ऑफ विद्या, द काइंड ऑफ पर्सन शी इज, द एनर्जी शी कैरीज, द वे शी कैरीज हर सेल्फ, पूरे सेट पे हमेशा स्माइल होती थी एवरी वन। मतलब मैं तो बीच में, मुझे याद है मेरे को 3 दिन का गैप हुआ था और मैंने सुरेश को फ़ोन करके बोला था यार मैं आ जाऊँ कैसे, मैं ना बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे ना मुझे आना है। आई वॉज मिसिंग इट सो मच, आई स्टिल मिस द एंटायर शूट, द जर्नी, इट वॉज वंडरफुल।